यूजीसी नेट का 2021 का एग्ज़ाम आने वाला है, उसके साथ रिलेटेड कुछ टेस्ट, सिलेक्शन टेस्ट होने वाले हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया में सिलेक्शन टेस्ट हो रहे हैं, राजस्थान में हैं, पंजाब में हैं, कई और स्टेट्स में हैं। उन कैंडिडेट्स को चाहिए, एक सुजेशन है कि एनटीए ने अपनी वेबसाइट पर मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, उनको यूज़ करके वो अपना सेल्फ टेस्टिंग कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, आपको एनटीए, यूजीसी, नेट, सीबीटी, मॉक प्रैक्टिस या मॉक टेस्ट, मैंने यहाँ देखिए गूगल में फिल किया है और ये मेरे सामने ओपन हो गया है ये पेज, इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद आपके सामने ये लिस्ट आ जाएगी एक सब्जेक्ट की, यूजीसी नेट पेपर वन का मॉक टेस्ट ये पहले नंबर पर है। मेरे हिसाब से कोई आपका कोई भी सब्जेक्ट है, आपको फर्स्ट पेपर ज़रूर करना चाहिए, बेशक आप असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेक्शन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट वालों ने तो करना है, क्योंकि इसमें देखिए ये 5 टेस्ट हैं और हर टेस्ट में 10 क्वेश्चन एमसीक्यू दिए गए हैं। तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो तो आप रिसर्च के जहाँ और रेलेवेंट क्वेश्चन जो डिस्प्ले होता है उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको एंटर करने के लिए यहाँ एंटर करेंगे स्टार्ट टेस्ट और आपके सामने ये 10 क्वेश्चन ये बोर्ड डिस्प्ले हो गया और फर्स्ट स्टेम, इसको स्टेम बोलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की आ गई है और ये 4 ऑप्शन हैं, तो यहाँ से आपका टेस्ट शुरू हो जाता है। अगर आपका टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए अपनी सेल्फ टेस्टिंग के लिए, अदरवाइज़ आप यहाँ नेक्स्ट पर जाके नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। ठीक, एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है मैं यहाँ बात करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज़ रिफ्लेक्टेड बाय दी, मैंने फोकस किया क्वालिटी ऑफ टीचिंग इसमें पूछा गया है, तो जब भी क्वालिटी पूछी जाती बड़ी बड़ी बातें सोचनी है बड़ी बड़ी बातें, क्योंकि छोटी छोटी बातें होती हैं ना प्रैक्टिस में, ये आइडियल क्वेश्चन होते हैं। तो वैसे नॉलेज के तौर पर भी अटेंडेंस होने से इफ़ेक्टिवनेस नहीं होगी, पास परसेंटेज होने से इफ़ेक्टिवनेस नहीं, आपकी क्लास में बहुत साइलेंस है वो दबी हुई भी हो सकती है। क्वालिटी ऑफ, देखिए क्वालिटी को क्वालिटी यहाँ लिख दिया, ये इन्होंने क्लू दे दिया है, ये वीक क्वेश्चन हो गया। वैसे इसका जो बेस्ट टीचिंग कैसे पता चलती है, इस ऑप्शन के अनुसार जो क्वेश्चन बच्चे करने लगते हैं, क्वेश्चन तब आता है जब आप सोचने लगे हो, जब सोचने लगे हो इट मीन्स टीचर जो करना चाहता था, स्टिमुलेट करना चाहता था, वो काम कर रहा है, ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं, दैट इज़ वाई द बेस्ट क्राइटेरिया। यहाँ मैं टिक कर दूंगा, मुझे ये राइट आंसर लगा है, नेक्स्ट पर जाऊँगा। अगर नेक्स्ट आंसर मुझे लगता है कि ये मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, मैं उसका आंसर दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट पर पास करता जाऊँगा। इस तरह आप ये पहले टेस्ट मेरे हिसाब से 5 के 5 आप ज़रूर दीजिए, आप कोई भी, आपका कोई भी सब्जेक्ट है। क्यों, कारण यह है कि रिसर्च इज़ कॉमन इन ऑल सब्जेक्ट। ये देखिए फर्स्ट पेपर में रिसर्च के क्वेश्चन आ रहे हैं, इन रिसर्च ऑब्जेक्टिव कैन बी वर्डेड एज, ओके, ऐसे क्वेश्चन जो आ रहे हैं, डिस्कशन मेथड, अच्छा रिसर्च का एक और क्वेश्चन था ये मेरे ख्याल में, सॉरी। तो नेक्स्ट आप मॉक टेस्ट में जाके देख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपने रिसर्च वाले ही करने हैं आप चेक कीजिए, अगर रिसर्च के अवेलेबल हैं उनके आंसर दीजिए, अदरवाइज आप स्किप कर दीजिए। ठीक, जहाँ कोई और क्वेश्चन भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो भी आप दे सकते हो, ये 5 मॉक टेस्ट फर्स्ट पेपर के अवेलेबल हैं। बैक जाएंगे उसके बाद सेकंड पेपर की तैयारी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो आप अपना सब्जेक्ट नेचुरली जो, अगर आपका कॉमर्स है आपको कॉमर्स के वो यहाँ पर एंटर करेंगे और 5 टेस्ट आपका वेट कर रहे हैं, वो टेस्ट आप बारी बारी कंटिन्यू जैसे भी देना चाहते हैं उनको दीजिए। और टेस्ट देने के बाद टेंशन नहीं लेनी, जो क्वेश्चन आपको तंग करता है उस पर थोड़ी देर सोचिए, क्योंकि टाइम अब आपके पास कम है, उसको सोच के उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट अगर ईजिली होती है करके आगे बढ़िए, रुकना नहीं है, ये एक नुक्ता है। तो दूसरा सुजेशन आपके लिए ये है, बेशक वो यूजीसी नेट के कैंडिडेट हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर जो सिलेक्शन टेस्ट दे रहे हैं, उनको जो आपका डिसिप्लिन है, सब्जेक्ट है, उसकी नेचर किसी और सब्जेक्ट से मिलती होगी पक्का,
फॉर एग्जांपल ये कॉमर्स है, कॉमर्स वाले की एग्जाम जो नेचर है, अगर आपको लगता है, मेरी नॉलेज यहाँ इतनी नहीं है, आपको अपने डिसिप्लिन की ज़्यादा पता है कि आपका इंटरडिसिप्लिनरी कैसे बन रहा है, कॉमर्स को अगर इकोनॉमिक्स से मैच कर रहा है, नेचर मैच कर रही है, अगर मैनेजमेंट से मैच कर रही है, तो कॉमर्स वाले कैंडिडेट को इकोनॉमिक्स का, मैनेजमेंट का, जहाँ किसी और ये लिस्ट दी गई है इसमें से अगर लगता है कि उससे मैच कर रही है तो वो मॉक टेस्ट निकाल के उसको दे लेना चाहिए। मैं ये बता रहा हूँ फ्री में आपको कितने क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, आप सेल्फ टेस्टिंग कर सकते हो। जो कैंडिडेट सेल्फ टेस्टिंग करके जाते हैं नेचुरली 2-4-5 मार्क्स गेम भी इतने की होती है सिलेक्शन करने के लिए, बेशक UGC नेट के लिए। तो दूसरा आपको एक्सपीरियंस होगा, जो UGC नेट के कैंडिडेट है फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, ऑनलाइन कैसे करना है, हालांकि वहां पर थोड़ा सा डिफरेंट होगा, उसके लिए डिफरेंट वीडियो निकाला है, वो आप देख सकते हो पिछला वीडियो। तो इसके अलावा सजेशन है कि बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो अच्छी तरह से देख लें, जैसे सोशियोलॉजी है, सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, सोशियोलॉजी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इनकी नेचर मिलती है तो आप इनको यूज़ कर सकते हो, तंग नहीं होना। अगर क्वेश्चन की नेचर जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में फॉर एग्जांपल आया है, आप पॉलिटिकल साइंस के हो, वो नेचर आपसे ज़्यादा मिलती नहीं है, तो आप उस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए। मेरा वीडियो बनाने का यही पर्पस है, आपके पास टाइम कम है और अवेलेबल ये जो रिसोर्स है वो आपको यूज़ कर लेना चाहिए। इसके अलावा अगर ये एक वीक पड़ा है, अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे कुछ कॉमन क्वेश्चन, जैसे रिसर्च का सभी डिसिप्लिन में कॉमन एरिया है, कंटेंट है, तो उसके क्वेश्चन आपको डालूं जो आपके जो स्टिमुलेट हो जाए, आपकी एक्सरसाइज हो जाए, टेस्टिंग हो जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार ऑर्डर कीजिए। मैं कोशिश करूंगा रोज़ के 5 या 10 क्वेश्चन आपको इन दिनों के लिए बना दूंगा। इसके अलावा कोई भी आपको जानकारी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।